हेलो गाइस, कैसे आई हो? आप लोग क्या आप लोग अच्छे होंगे? सो गाइस, अब इंस्टाग्राम रील पर कुछ इस टाइप की वीडियो जरूर देखे होंगे, डबल रोल वाली। सो गाइस, इस तरह कैसे आपको वीडियो बनाना, आज की वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइस, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, कैसे आपको वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है, किस एप्लीकेशन से हम लोग एडिट करने वाले हैं, तो सारी चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आज का वीडियो को लाइक में रखते हैं केवल 3000 लाइक, और फर्स्ट टाइम में चैनल विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज देख लेंगे आपको दोनों वीडियो कुछ इस तरह कैसे आपको एक्टिंग करके आपको कुछ इस तरह कैसे सीखने के एक्टिंग कर लेना होगा। इसके बाद चलिए आपको यहाँ से कैप्चर एप्लीकेशन ओपन कर। सो गाइस देख लेंगे, यहाँ से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। तो आपको घोस्ट वाली वीडियो बनाने के लिए यहाँ से आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला तो आपको सुपर वीपीएन एप्लीकेशन का, और दूसरा आपको एप्लीकेशन कैपकट में, जिसमें हम अपनी वीडियो एडिट करेंगे। तो सबसे पहले अपना सुपर वीपीएन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा, यूज कर लीजिएगा, तभी आप कैपकट एप्लीकेशन ओपन कीजिएगा। चलिए यहाँ से कैपकट एप्लीकेशन में ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तभी देख लेंगे कैपकट एप्लीकेशन का कुछ इस तरह कैसे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से ऊपर आपको प्लस वाला जो आइकन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट का, आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने बाद सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो अपनी फर्स्ट वाली वीडियो शूट की है, अपनी फर्स्ट वाली पार्ट वाली अपनी वीडियो यहाँ से ले लेंगे। जैसे देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हम लोग का वीडियो शूट किया हुआ आ गया यहाँ पे। तो गाइस अभी देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हम लोग का वीडियो है। तो वीडियो शूट करते टाइम हम लोग की वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रह जाता है, उसको डिलीट कर लेंगे यहाँ से। देख लेंगे कुछ ऐसे हो रहा है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करने बाद यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे, और इस वाले पार्ट को हमें यहाँ से डिलीट कर देना होगा बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ से। तो चलिए इसको मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस अभी देख लेंगे हम लोग का जो वीडियो को कुछ इस तरह कैसे आपको देखने को मिल जा रहा है। यहाँ जैसे मैं एक्टिंग करके यहाँ पे कुछ इस तरह कैसे कर रहा हूँ, और यहीं से आपको भी ऐसे कुछ हल्का ऐसे कर लेना होगा यहाँ से ऐसे। इसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपकी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से डिलीट कर लेंगे। और लास्ट में इस एप्लीकेशन को वाटरमार्क दिखेगा, आप यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट करने बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का अच्छे से आपको एक्टिंग और सॉन्ग के हिसाब से आपको एक्टिंग कर लेना होगा यहाँ से। देख लेंगे कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद गाइस क्या करना होगा, अपनी सेकंड वाली जो वीडियो शूट किए हैं वो हम वीडियो ले लेंगे। तो वीडियो लेने के लिए आपको यहाँ से जो ओवरले का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने बाद ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने बाद अपनी जो सेकंड वाली वीडियो जो शूट की है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और इसको टाइमलाइन में ऐड करने के लिए यहाँ से ऐड वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देता हूँ। कैसे भी देख लेंगे हम लोग की वीडियो कुछ इस तरह का से है। तो जैसे मैं यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से चिल्लाने के ऐसे मैं एक्टिंग यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, हमें क्या करना होगा इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, और ये वाला जो हम लोग का एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीका से यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे देख लेंगे यहाँ से डिलीट भी कर लिया। करने बाद गाइस अब हमें क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे मैं ऐसे कर रहा हूँ यहीं पे ऐसे रोने की एक्टिंग, तो थोड़ी मैं इसको यहाँ पे ऐसे पीछे ऐसे कर लेता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ से आके मैं देखूँगा कहाँ पर मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे रोने की ऐसे मोबाइल फेंकने की ऐसे एक्टिंग कर रहा हूँ यहीं पर। तो हमें क्या करना होगा, इसको मैं यहाँ पर ऐसे ला देता हूँ अपनी वीडियो को यहाँ पर। देख लेंगे कुछ इस तरह ऐसे हो गया। और हमें क्या करना होगा इस वाली वीडियो को, हमें क्या करना देख रहे होंगे यहाँ पर हम लोग का ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, इसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। तो गाइस बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाली वीडियो की लेयर पर ऐसे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपको वीपीएन एप्लीकेशन लगा लीजिएगा, तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड का जो ऑप्शन आ रहा है आपको रिमूव बैकग्राउंड वाले पैसे क्लिक कर देना होगा। तो ये जैसे आपका 100% होगा ऑटोमेटिक यहाँ से आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक बार करते हैं इसीलिए तुरंत हो जाएगा। तो आपको भी कुछ इस तरह का ऐसे आपको कर लेना हो यहाँ से अपना बैकग्राउंड रिमूव वीपीएन एप्लीकेशन की मदद से। आपको इसको क्या करना होगा, अपने वीडियो के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं इसको यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो करने के लिए गाइस अभी देख रहे होंगे हम लोग को प्रॉपर तरह से अच्छे से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी एक बार आपको वीडियो प्ले कर दिखाऊं। तो अभी हम लोग यहाँ पे हमें आत्मा वाला इफेक्ट देना होगा इसमें। तो आत्मा इफेक्ट कैसे दे लेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपनी वीडियो के साइड में इस साइड आना होगा, और आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा मार्क्स का, आपको मार्क्स वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो स्प्लिट का जो ऑप्शन दिख रही है ना, आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और क्लिक करने के बाद आपको हल्का नीचे ऐसे आना होगा यहाँ पर ऐसे, और आने के बाद आप इसको हल्का ऐसे ब्लरिंग टाइप का ऐसे आप कर लेंगे कुछ इस तरह का। करने बाद आपको यहाँ से ओके पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जैसे सही वाले टिक पर ऐसे क्लिक कर देते हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ अच्छे से उसको एडजस्ट कर लेना होगा यहाँ से ऐसे। देख लें कुछ यहाँ से ऐसे मैं कर लेता हूँ। साथ ही गाइस आपको क्या करना होगा, जैसे आप इधर आते हैं साइड में यहाँ पे, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ से ओपासिटी का। आपको ओपासिटी पर जैसे क्लिक करते हैं इसका कलर हल्का हो जाएगा यहाँ पे। तब मैं इधर में 90-20 ऐसे मैं हल्का ऐसे यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। देख लें कुछ इतना ऐसे मेरा हो गया यहाँ पे। तो आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। करने बाद ओके पर ऐसे क्लिक करने बाद आप इसको यहाँ से आसानी से इसको अच्छे से अपने मूड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ से अच्छे से उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से। तो अभी देख लेंगे हम लोग का जो आत्मा वाला इफेक्ट कुछ इस तरह का ऐसे देखने को मिल जा रहा है अपनी वीडियो में। देख लेंगे मैंने लगा लिया, तो आपको भी ऐसा कुछ लगा देना होगा। सो गाइस एक बार अगर आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊं फाइनली, तो अभी देख लेंगे हम लोग का जो वीडियो कुछ इस तरह कैसे फाइनली हम लोग का अपना वाली वीडियो कुछ इस तरह कैसे बन गई है, डबल रोल वाली ऐसे चिल्लाने वाली। इसके बाद गाइस क्या करना होगा, हम लोग की वीडियो में कुछ यहाँ पे हम लोग चलेंगे, और लास्ट में हम लोग के यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है।
इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इस वाले पार्ट को मैं यहाँ से बहुत ही सिंपल तरीके से डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद गाइस हमें क्या करना होगा, अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड करनी होगी, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो ऑडियो का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑडियो वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक करके, यहाँ से एडजस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी वीडियो उसका म्यूजिक निकालना चाहते हैं तो आपको एडजस्ट में जाना होगा और अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए जिसका म्यूजिक निकालना चाहते हैं। जैसे हमें इस वाले वीडियो का म्यूजिक निकालना है, इस पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ से इम्पोर्ट साउंड ओनली पैसे में क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो ऑटोमेटिक देख लेंगे यहाँ पे हम लोग का साउंड भी यहाँ पे ऐड हो गया। सो गाइस अब जो हम लोग की वीडियो है प्रॉपर तरह से बन के तैयार हो गई। सो गाइस इस तरह अपनी वीडियो बनाने के बाद इसको अपने गैलरी में सेव करने के बाद ऊपर आपको जो तीर का ऑप्शन दिख रहा है सेव करने के लिए आपको तीर वाले ऑप्शन पैसे आपको क्लिक कर देना होगा। सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पैसे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग का 100% हो जाएगा तो ये वीडियो हम लोग की गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। सो गाइस आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला हो गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दें। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।